नहीं नहीं जाने दो उसको बेचारे को, ट्रैफिक मूव कर सकते हैं। बिल्कुल ये ऐसा लग रहा है टाइगर बैठा हुआ है उधर को मुंह करके, और उसके कान भी दिख रहे हैं और कलर बिल्कुल टाइगर का, क्योंकि जब मैं हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होगे। नमस्कार है आप सभी को और स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे चैनल में जो है सोनिका शिव व्लॉग्स। और हम आए हुए थे फाटो जोन, जो कि रामनगर के पास में ही है, उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर आता है और कॉर्बेट नेशनल पार्क से जुड़ा हुआ फॉरेस्ट है बिल्कुल। और यहाँ मैं लास्ट सीज़न में जो जून में एंड हुआ था, बहुत अच्छी साइटिंग हुई थी टाइग्रेस की और कब की उसके साथ में, और टाइगर टाइग्रेस की भी साइटिंग हुई थी उससे पहले, मतलब इस जो जून तक सीज़न चला था उसकी बात कर रही हूँ। और अब जो इस सीज़न का स्टार्टिंग हुई है, ये 1 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है और हम पहली बार यहाँ पर अभी सफारी में आए हैं इस सीज़न में। तो अभी हमें एलिफेंट्स का हर्ड दिखा, बहुत अच्छी साइटिंग हुई। अभी तक इस सफारी का एक पार्ट मैं डाल चुकी हूँ, ये सेकेंड पार्ट है। अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा है तो वो भी ज़रूर देखिए, जो इसका पहला पार्ट है। बहुत अच्छी एलिफेंट्स की साइटिंग हमें हुई, एलिफेंट का हर्ड था और बेबी एलिफेंट भी था, बहुत क्यूट सा उसमें। और अब हम सर्च में थे टाइगर की या टाइग्रेस की। जिस एरिया में हम घूम रहे थे ग्रीन वाटरफॉल के आसपास, वहाँ त्रिशूली अपने कब के साथ में है। इस सीज़न में एक किसी ने बताया था कि कब मतलब थोड़ा बड़ा हो गया है, बड़े मुश्किल से उसने उसे प्रोटेक्ट करके रखा हुआ था, बहुत छोटा था उस टाइम पर। और अब सफारी टाइम भी एंड होने वाला था और हमें जिस डायरेक्शन से कॉल आ रही थी, अलार्म कॉल या वार्निंग कॉल, तो हम उसी डायरेक्शन की तरफ जा रहे थे, उस डायरेक्शन की तरफ जा रहे थे। और कुछ ही टाइम बचा था अब सफारी एंड होने का। और अभी इस वक्त काफ़ी सारी झाड़ी कटी हैं, कुछ पेड़ कटे हैं छोटे रास्ते को क्लीन करने के लिए और वाटरफॉल के आसपास, तो उससे भी जो मोमेंट है वो काफ़ी डिस्टर्ब होता है। तो टाइगर जो टाइमिंग होती है टाइगर्स की जाने की और रास्ते की, वो दोनों चेंज हो जाती है। तो अभी हमें फिर से पता चला था कि अलार्म कॉल चल रही है एक जगह पर, वहाँ से जिप्सी आ रही थी, तो हम उस जगह पे चेक करने के लिए गए, क्योंकि वहाँ से उसकी क्रॉसिंग है जो त्रिशूली है उसकी, जो फीमेल टाइग्रेस है वो ढेला के फॉरेस्ट में भी अक्सर चली जाती है, जो कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंडर आता है वो फॉरेस्ट। तो हम वहाँ पर थोड़ा चेक करने के लिए आए हुए थे। तो कल शाम को यहीं से क्रॉसिंग हुई थी एक टाइगर की इसी टाइम पर, और कॉल भी चल रही थी राइट साइड के अंदर फॉरेस्ट में, राइट से लेफ्ट की तरफ टाइगर आया था, शायद वो मेल था, तो यहाँ पर इसीलिए गाड़ियाँ आई थी, वार्निंग कॉल्स अलार्म कॉल्स चल रही थी इस वजह से। और जो जिप्सीज रुकी हैं वो स्टे में है, इसलिए थोड़ा और देर रुक सकती है, लेकिन हमें टाइमली बाहर जाना है क्योंकि थोड़ा टाइम गेट तक जाने में भी लगेगा। और यहाँ पर एक ट्रैक्टर भी चल रहा था, इसकी आवाज़ से भी काफ़ी डिस्टर्बेंस होता है। आज सिर्फ एक गाड़ी को टाइगर की साइटिंग हुई है, जब हम हाथी साइटिंग कर रहे थे तो वो हाथियों को क्रॉस करने देखने के लिए इस वाली फायर लाइन के अंदर गए थे। तो अभी कई नए रास्ते भी बने हैं, जो ये रास्ता दिखा रही जहाँ टाइगर की साइटिंग हुई थी, जो फायर लाइन है यहाँ से अंदर वन गुजर रहता है उधर को रास्ता जाता है, वहाँ टाइगर की साइटिंग हुई थी, नया रूट बना है। अब कई सारे रूट्स बन गए हैं यहाँ फाटो जोन के अंदर। और वहाँ सिर्फ एक जिप्सी को, वो एलिफेंट्स की क्रॉसिंग देखने गए थे और उन्हें वहाँ टाइगर दिख गया था, एक ही जिप्सी को दिखा टाइगर। तो जी अब सफारी हो चुकी है एंड और हम चल पड़े हैं मोहान की तरफ। टाइम हो गया है 7:30 होने वाला है और ट्रैफिक आप देखिए कितना है अभी इस वक्त। तो साइटिंग तो एलिफेंट्स की तो हमें बहुत अच्छी साइटिंग हुई, फॉरेस्ट भी काफ़ी अब चेंज हो गया है, टाइगर तो नहीं दिखा। अब मोमेंट भी चेंज हो जाता है ना, क्योंकि थोड़ा भी चेंज होता है उनके लिए, तो काफ़ी ग्रास वगैरह कटी है, झाड़ियाँ वगैरह सब कटी है, और जहाँ अक्सर चौड़ी करी है जहाँ वो अक्सर बैठती थी ग्रास लैंड में, और वहाँ पर खास करके ग्रीन वाटर होल में, तो उसके आसपास तो बहुत ज़्यादा काम हुआ है, उससे थोड़ा डिस्टर्बेंस भी हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है एनिमल। हाँ, नए रास्ते खोले हुए हैं।
तो सिर्फ एक गाड़ी को ही टाइगर दिखा, वो भी वो हाथियों की क्रॉसिंग देखने जा रहे थे, जितने हमें हाथी यहाँ पर दिखे थे पूरा ग्रुप। तो वो जिस साइड से क्रॉस करने वाले थे, दूसरा अभी एक और रूट खुला है, उन्हें लगा उधर से क्रॉस करेंगे तो उस तरफ जा रहे थे। एक ही गाड़ी थी और तो उन्हें चलता हुआ रोड पे जो फायर लाइन है वहाँ पे चलता हुआ टाइगर दिखा, मेल टाइगर था बोल रहे हैं। अब कितना दिखा क्या दिखा, थोड़ा सा ही चला शायद, वो अंदर की तरफ चला गया था। तो और हम बाद में, हम तो फीमेल का वेट कर रहे थे कि वो अपने कब के साथ आएगी। वो ढेला वाला जो एरिया है उस तरफ को चली जाती है अक्सर क्रॉस करके, और आजकल इवनिंग में क्रॉस करके वापस आती है, तो हम वहीं वेट करते। एंड में कॉल वगैरह बहुत ज़्यादा चल रही थी, लेकिन इतना टाइम बचा नहीं था सफारी का, सफारी का टाइम एंड हो गया था। तो हम फिर बाहर को आ गए और फिर फाटो से रामनगर आने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत दूर है, कम से कम 1 घंटे का रास्ता है फाटो का गेट रामनगर से, मेन रामनगर से। और हम चले हैं अब मोहान को, तो अभी मोहान पहुंचने में भी अभी हमें टाइम लगेगा ही, आधा पौन घंटा मान के चलो, क्योंकि आराम आराम से ही जाएंगे। तो हम मोहान क्यों जा रहे हैं, जैसा कि मैंने अपने आपको लास्ट ब्लॉग में बताया था कि हम मोहान में मैकपाई कॉर्बेट में रुके हुए हैं। पता नहीं डॉग्स कहाँ से अचानक, यहाँ घर भी नहीं है आसपास, 3-3 डॉग्स घूम रहे हैं, बताओ इधर रहते होंगे। घर तो कहाँ है, उतनी दूर है सारे घर। ये पानी के साथ अभी और आएगा। और कितनी बढ़िया लग रही है ये मूनलाइट, पानी में बिल्कुल इसका रिफ्लेक्शन आ रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। और यहाँ पर एक जैकल जा रहा है स्ट्रीम को पार करते हुए। पाइथन, इतना बड़ा पाइथन, गाड़ी आ गई। कुछ खाया हुआ है इसने, अभी हमने गाड़ियां रोक दी हैं उस साइड से। कितना बड़ा दिख रहा है यार, इधर सीट बेल्ट निकालो, मैं सीट बेल्ट निकालू। बनाओ आप अपनी साइड से। मत डरो मेरी बात, ना ना बड़े भाई नहीं डर, डर अजगर अजगर पूछ पकड़ लो। नहीं नहीं जाने दो उसको बेचारे को, जान जान देते और शांत नहीं करते।
अब ये रोड क्रॉस कर लिया इसने, तो अब हम वापस ट्रैफिक मूव कर सकते हैं। तो ये है हमारी आज पाइथन की साइटिंग, गजब साइटिंग। थैंक यू। हमने सारी अभी गाड़ियां रुकवा के, लोग काफी सारे थे तो इन्होंने भी यहीं पे उतर के वीडियो बना दिया, क्योंकि यहाँ पे सेफ था उतरना अपनी साइड से। तो जो ये लड़के थे बाइक वाले, तो बिल्कुल अजीब ही बात कह रहे थे। वो कह रहे थे कि हम पाइथन को पकड़ लेते हैं, इसीलिए फिर शिव को उतरना पड़ा कि ताकि पाइथन सेफली क्रॉस कर सके, और इन्होंने मना भी किया उनको कि ऐसा कुछ मत करो। अब इसकी दुम दुम बची है, तो अंदर चला जाएगा। तो एक बाइक में तीन लोग आ रहे थे और एक गाड़ी जा रही थी, दोनों ही हमने रुकवा दिए थे। तो बाइक वाले तो बिल्कुल इतने ज्यादा एक्साइटेड हो गए एनाकोंडा एनाकोंडा करके, और कुछ खाया हुआ भी था शायद उसने, उसके पेट में लग रहा था कुछ है। और अच्छी बात यह है कि अभी ट्रक वगैरह और बड़ी गाड़ियां नहीं चल रही थी, और बहुत ज्यादा गाड़ियां अभी इस वक्त नहीं चल रही है जैसा कि कल चल रही थी। कल तो बहुत ही ज्यादा गाड़ियां चल रही थी। अब आया देखो ट्रक, ट्रक को रोकना बहुत ही मुश्किल हो जाता है ना, एकदम डाउन था वहां, ट्रक कैसे रुक पाता, ब्रेक मारना बहुत ही टफ होता है, स्पीड भी बहुत थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है स्पीड कंट्रोल करना। वो तो बाइक वाले और जो वो थे गाड़ी वाले, दिखा उनको भी नहीं था, ओवरटेक कर रहे थे उस चक्कर में, वो लोग थोड़े स्लो थे। और दिखा उनको भी नहीं था, अगर वो सिर्फ बाइक या गाड़ी होती तुरंत से निकल जाती। वो एक तो हमारे साइड में था और हमें भी मतलब पहले लगा लकड़ी है क्या है, क्योंकि अंधेरे में समझ में नहीं आता, काला काला ऐसे दिख रहा था रोड पे जैसे लकड़ी पड़ी हो। तो फिर एक तो धीरे 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 पार कर रहा था, मतलब धीरे धीरे चल रहा था वो, और काफी बड़ा पाइथन था है ना, बहुत बड़ा था साइज में, जैसा हमने पीलीभीत में देखा था वही साइज था जो रोड क्रॉस कर रहा था। वो इससे बड़ा था। अच्छा, इससे बड़ा था, बहुत ही बड़ा था। ये चौड़ा इसलिए लग रहा था, कुछ खाया हुआ था इसने अभी, तो उसको पचा रहा था, इसको टाइम लगता है ना पचाने में, ये निकल जाता और फिर धीरे धीरे पचाता रहता है इस तरीके से। और उस समय उतरना इनको इसलिए भी जरूरी था क्योंकि वो लोग पता नहीं समझ नहीं पा रहे थे क्या था, कह रहे थे कि इसको पकड़े पूछ पकड़े। कई बार होता है एक्साइटेड हो जाते हैं लोग कि ऐसे पहली बार देखते हैं, तो तब फिर मना किया इन्होंने, क्योंकि एक बार एक आदमी ऐसी हरकत पहले कर चुका है तो फॉरेस्ट वालों ने उसके खिलाफ एक्शन भी लिया था। ऐसा हरकतें कभी भी नहीं करनी, किसी भी जानवर को परेशान नहीं करना है रोड में। देख लिया, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि इतनी बढ़िया साइटिंग हो जा रही है ऐसे रोड में। तो यह है जैकल यानी सियार, पता नहीं क्या खा रहा है, मिनरल्स तो नहीं होगा, हो सकता है। चलो आगे बढ़ो। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब, आई होप कि आप सब बढ़िया हो गए। नमस्कार है आप सभी को, स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे चैनल में। जो है सोनी का शेफ व्लॉग्स। गुड मॉर्निंग। डियर्स घूम रहे हैं आराम से, अब इस जगह पर हम आए हैं फिर से जीरो पॉइंट की तरफ, और यहाँ है वाइल्ड बोर। तो अभी तो बिल्कुल शांत है, कोई कॉल भी नहीं चल रही है। तो अभी तो यहाँ बिल्कुल शांत है, कोई कॉल्स नहीं चल रही है। वाइल्ड बोर, स्पॉटेड डियर्स और मोर वगैरह दिख रहे हैं। तो अभी थोड़ा आगे तक ड्राइव करने आए हैं, और कल रात को यहीं हमें पाइथन दिखा था, पाइथन की साइटिंग हुई थी, रोड क्रॉस करके जा रहा था। वहाँ मोर है, इधर सांबर डियर्स हैं रोड के किनारे, इधर वहाँ पर सांबर डियर्स दिख रहे थे। तो अभी वापस जीरो पॉइंट की तरफ ही आ गए हैं। सांबर डियर है,
उधर देख रहे हैं, उस साइड को सामने सामने देख रहे हैं। तो इस एरिया में टाइगर का मूवमेंट भी रहता है अच्छा खासा, और सबसे आसान तरीका होता है पता करने का कि टाइगर आसपास इस एरिया में है कि नहीं, तो है डियर्स की कॉल्स। तो यहाँ पे काफ़ी सारे स्पॉटेड डियर्स हैं, मोर की कॉल भी, कल तो बहुत ज़्यादा मोर की कॉल भी चल रही थी, स्पॉटेड डियर्स की भी चल रही थी। बट अगर ओपन पैच में आएगा तभी दिख सकता है, अगर आसपास का जो फॉरेस्ट है घना जंगल सा है जहाँ पेड़ वगैरह हैं वहाँ आसपास बैठा हो तो देखना बड़ा मुश्किल है। तो अभी अलार्म कॉल्स हुई है इस वजह से हम यहाँ पे थोड़ा देखने के लिए रुके। हाँ कुछ चलता हुआ दिख रहा था, लेकिन मुझे स्कैम इधर फ़ोन में दिखेगा नहीं ना, क्योंकि इसमें नहीं, वहाँ देखो वो अकेला चल रहा है ना सीमेंट के पेड़ के पास। हाँ जो ये वाला गैप है ये देखो, अकेला था, कुछ दिख रहा है ना। अब बात यह अभी धूप इतनी पड़ रही थी मुझे ये कैमरे में समझ नहीं आ रहा। अरे कुछ मूव नहीं कर रहा वो देखो, हाँ जो ये हल्का घास का पैच है। तो अपना कैमरा ले आओ ना सुरेश, डियर तो है कहाँ, ये जो सामने बोल रहे हो ना, हाँ वहाँ एक सिंगल दिख रहा है ना उधर, डियर ही होगा ये जो चलते आ रहा है। हाँ वहाँ भी है, एक है उधर, देख लो इससे। तो अभी जंगल के अंदर की तरफ ही अलार्म कॉल चल रही है, आगे एक रपटा है तो वहाँ से भी टाइगर क्रॉस करता है, तो हम थोड़ा उस तरफ को देखने जा रहे हैं अभी। तो अभी हम जा रहे हैं ज़ीरो पॉइंट की तरफ ही, क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाया था रैंडम, मुझे नहीं पता था कि मेरे फ़ोन की ब्राइटनेस भी मैंने कम करी हुई है और लाइट भी बहुत पड़ रही थी उसमें, धूप एकदम मुंह पे आ रही थी, तो मैं रैंडम एक वीडियो बना रही थी। बाद में मैंने जूम करके देखा तो उसमें ऐसा लग रहा है कि अब वो मुझे लगा है, आप लोग भी देखिए इसको जो ये वीडियो है इसमें बिल्कुल ये ऐसा लग रहा है टाइगर बैठा हुआ है उधर को मुँह करके, और उसके कान भी दिख रहे हैं और कलर बिल्कुल टाइगर का, क्योंकि जब मैं ये वीडियो देख रही थी तो मुझे फॉरेस्ट में ये कुछ अलग कलर दिखा, बिल्कुल टाइगर का जैसा, जैसे ये टाइगर हो, टाइगर का जैसा कलर होता है बॉडी का, तो फिर मुझे ये लगा कि शायद वो टाइगर था। और कॉल भी चल रही थी थोड़ी देर पहले स्पॉटेड डियर्स की, और कल भी उसी एरिया में कॉल चल रही थी, और जो सेमल का पेड़ है जैसा कि मैं आपको बता रही थी कल कि उसके आसपास वो रहता है, तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे वो बैठा हुआ है। तो अभी मैं उस एरिया को ज़रा अपने कैमरे से जूम करके देखती हूँ कहीं वो झाड़ी तो नहीं थी, अगर वो झाड़ी थी तो अभी भी वहीं पर होगी, मतलब अगर लीव्स वगैरह होंगे या कुछ फॉरेस्ट मतलब जंगल में ही कुछ ऐसे पेड़ वगैरह होगा तो वो अभी भी वहीं पर होगा, क्योंकि वो डियर तो नहीं था। डियर वैसे भी डियर ग्रुप में रहते हैं और उनका कलर भी थोड़ा अलग होता है, और टाइगर का कलर थोड़ा सा डिफरेंट होता है डियर से, और बिल्कुल अकेला बैठा हुआ था वो, तो अगर वो कुछ पेड़ या झाड़ियाँ थी तो वो अभी भी होगी, और अगर वो टाइगर था तो फिर मिस हो गया। तो अभी मैं देखने की कोशिश कर रही हूँ कि मेरा वीडियो कौन सी जगह का वीडियो बनाया था मैंने, और बात ये भी थी कि उस साइड उस समय अंधेरा सा था, धूप नहीं आई थी उस साइड को, तो वीडियो इतना क्लियरली नहीं दिख रहा है, बस कलर समझ में आ रहा है कि ऐसा लग रहा है कुछ बैठा हुआ है उधर मुँह करके, और टाइगर का कलर है बिल्कुल। पता नहीं अभी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ब्राइटनेस भी बढ़ गई, मतलब लाइट इतनी, धूप इतनी ज़्यादा बढ़ गई है उस साइड को, तो समझ में नहीं आ रहा है एरिया का। यहाँ लेडीज़ भी आ गई हैं, तो क्या पता इनकी आवाज़ सुन के वो करके मूव कर सकता है। मुझे समझ में नहीं आया कि इतना बड़ा जंगल है और जगह भी घास होगी, इनके घरों के आसपास भी होगी, लेकिन यहीं घास लेने आना है, पता है टाइगर का मोमेंट भी है। वैसे तो ग्रुप में है, ऐसे एकदम से मैनिटर तो नहीं होता टाइगर एकदम से अटैक कर दे, ऐसा तो नहीं होता, लेकिन ये होता है कि जब ये घास वगैरह काटते हैं
जब इंसान बैठा हुआ होता है ना तो उसे लगता है मेरा प्रे है, छोटा जानवर है, तो एकदम से हमला कर देता है। तो जो खासकर जंगलों के अंदर महिलाओं पे हमले होते हैं जब वो घास लेने गई होती है, उसका कारण यही होता है कि वो बैठी हुई होती है घास काटने, बैठी हुई होती है घास काटने के लिए, तो एकदम से टाइगर को लगता है कि कोई छोटा जीव है और वो एकदम से हमला कर देता है। और फिर उसे ये बोला जाता है कि वो मैनेटर है। मैनेटर बनने के उसके बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, या तो वो इंजर्ड हो या फिर वो बूढ़ा हो गया हो, यही, वरना उसके लिए इतना ज़्यादा प्रे है जंगल में। जैसा कि मैंने आपको दिखाया, डियर्स हैं इतने, स्पॉटेड डियर्स, सांबर डियर्स, बार्किंग डियर्स हैं, और वाइल्ड बोर है। सांबर डियर तो उसका फेवरेट प्रे होता है और वो काफ़ी दिन तक उसे खाता भी है, मतलब कुछ दिन चल जाता है उसका, दो तीन, एक दो दिन। और बाकी एनिमल्स भी हैं लेकिन फिर भी थोड़ा लोगों को ध्यान रखना चाहिए इस चीज़ का। इतनी यहाँ कॉल्स चलती है, इतना टाइगर का मोमेंट है, इधर नदी का एरिया है, और किसी ने एक फ्रेम में टाइगर और आगे महिला घास काट रही थी और पीछे टाइगर चल रहा था अपना, तो वो फ़ोटो भी किसी ने क्लिक करी थी, मैंने सुना था ऐसा। क्योंकि जब मैंने यहाँ देखा लेडीज़ को तो मैं यही सोच रही थी कि वो डरते नहीं, मतलब एकदम से इतना ख़तरनाक जंगल है, उधर झाड़ियाँ हैं और वहाँ टाइगर रहता है, आराम से जा रही हैं। जानवर भी डरते हैं, वो एकदम से भाग जाते हैं इधर उधर अगर इंसान आता है तो। अभी देखिए आप, डियर्स भी है नहीं इधर, आवाज़ से, थोड़ी सी भी आवाज़ से वो एकदम से अलर्ट हो जाते हैं। और टाइगर तो वैसे भी शाय एनिमल होता है और बेवजह किसी को ऐसे नुकसान नहीं करता है, अगर या तो कोई उसके रास्ते में आ गया कि वो, या फिर किल लेके बैठा है या बच्चे हैं साथ में, और या वो अब क्या कहते हैं छुप के बैठा है हंट करने के लिए, तब कर सकता है। ये तो बिल्कुल, आंटी लोग तो बिल्कुल ऐसे घूम रहे हैं जैसे पार्क में घूम रहे हैं, आराम से, इतना आराम से घूम रहे हैं बिल्कुल। तो अब हम चले वापस अपने गेस्ट हाउस में, मैकपाई कॉर्बेट में, और अब वहाँ से चेकआउट करते हैं, फिर देखते हुए जाते हैं रास्ते में, अगर कुछ दिख गया तो नाश्ता वगैरह करके निकलते हैं। सो गाइज़, आज के इस व्लॉग में बस इतना ही। आई होप कि आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल विच इज़ सोनिका शिव व्लॉग्स। बाय बाय, टेक केयर।